अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, सभी अस्पतालों का यह हाल है कि चिकित्सकों व स्टाफ के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस दौरान अव्वल दर्जे की लापरवाही भी सामने आ रही है। लखनऊ के प्रतिष्ठित राम मनोहर लोहिया संस्थान में चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित करते हुए भेज दिया। परिजनों ने जब घर आकर देखा तो महिला की सांस चल रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सांस की तकलीफ होने पर 4 दिन पहले महिला को लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी में उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था। शाम करीब 5 बजे चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अब संस्थान का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आइए देखते हैं वह वीडियो। अजय त्रिपाठी और मीडिया वाला ये होगा बुला दे खींच के धर दे कहीं। ये देखिए, ये मेरी माताजी हैं। इनका अभी मैंने घर पे नापा है, 9950 ऑक्सीमीटर आ रहा है और इनको हमने अपने घर में ऑक्सीजन लगाई है। और लोहिया के डॉक्टर AK त्रिपाठी है, उन्होंने ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट हमको बना के दे दिया कि आपकी माताजी एक्सपायर कर गई हैं। ये देखिए, खोलो जरा इसको। और अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं और ये हम लोग अपने घर पे लेके आए, तो यहाँ मेरी माता जी की सांसें चल रही थी। ये देखिए, ये देखिए डॉक्टर SK त्रिपाठी हैं ये, और इन्होंने डेथ एक्सपायर्ड लिखा, देखिए एक्सपायर लिखा हुआ है, और इन्होंने शाम को 5:27 पर इनको डेथ घोषित कर दिया है। और अभी बज रहा है समय, देखिए भैया मोबाइल में देखिए 7:24, ये देखिए 7:24 मोबाइल में टाइम देख लीजिए, अभी हो रहा है। ये घर पे हम इनको खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर लोहिया के डॉक्टर SS त्रिपाठी ने इनको मृत घोषित कर दिया है 5:27 पर। ऐसे लापरवाह डॉक्टर लखनऊ के लोहिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरे सारे दोस्तों से सबसे ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो की। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।